नमस्कार दोस्तों, डीके 3D होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं इस चैनल पर नए नए प्लान्स नए नए डिज़ाइन लाते रहता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक छोटा सा और बढ़िया सा प्लान लाया हूँ जिसका डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। प्लान की तरफ बढ़ने से पहले स्क्रीन पर जो देख रहे हैं हमारे ऑफिस के नंबर है, अगर आपको प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारी क्या फ़ीस होती है, क्या प्रोसेस होती है उसकी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल का आइकन है वह भी दबाइए ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वो वीडियो आपसे मिस ना हो। तो देखिए, 25 फीट बाय 60 फीट का आज का प्लॉट है जिसमें 25 फीट जो है हमारा फ्रंट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो आप 25 फीट है और लेंथ में जो है 60 फीट है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो लगभग 60 फीट है। तो 25 फीट बाय 60 फीट में यह पूरा प्लान बिठाया गया है जिसमें देखेंगे तो 3 बेडरूम है, 1 लिविंग रूम, 1 किचन, 1 डाइनिंग है सेपरेटली और स्टेयरकेज जो है बाहर से दिया है, टॉयलेट बाथरूम भी सेपरेट है। तो पूरा डिटेल मैं आपको समझाऊंगा जिसमें प्लॉट में देखेंगे। तो देखिए, ये जो है इस साइड में दूसरों के प्लॉट्स है, इस साइड में भी दूसरों का प्लॉट है और ये जो है इस साइड में भी दूसरों का प्लॉट है और ये जो है इस साइड में हमारा रोड है। तो एक ही रोड है प्लॉट को और बाकी की जो तीनों साइड है तीनों साइड में दूसरों के प्लॉट्स है। तो हमें जो है हमारा वेंटिलेशन हमारे प्लॉट में ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो देखिए, इस प्लान में देखेंगे तो आउटर वॉल जो है 9 इंच के लिए है और जो इनर वॉल है जो अंदर की वॉल है वो 4 इंच के लिए है और ये रोड है। रोड से जैसे हम एंट्री करेंगे यहाँ पे हमारा मेन गेट रहेगा और मेन गेट से हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे पार्किंग के एरिया में। यहाँ पे जो है हमारा कार पार्किंग के लिए एरिया रखा गया है। ये स्टेयरकेस के नीचे का जो एरिया है ये जो है पूरा कार पार्किंग के लिए और बाइक पार्किंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। 14 फीट 2 इंच है लगभग यहाँ से यहाँ तक, तो आराम से जो है हमारी कार यहाँ से यहाँ तक आराम से कार पार्क हो सकती है और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो लगभग 12 फीट है, मतलब 12 फीट है। तो कार भी पार्क हो सकती है, उसके बाजू में बाइक भी पार्क हो सकती है। यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन वगैरह बनाने के लिए और छोटे छोटा प्लांट्स वगैरह लगाने के लिए 7 फीट 2 इंच का जगह छोड़िए, मतलब लगभग 7 फीट की जगह छोड़िए। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आप छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं और अगर आप प्लांट वगैरह नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर बाइक वगैरह पार्किंग भी कर सकते हैं। उसके बाद में हम स्टेप चढ़ के इस वरांडे पर पहुँच जाएंगे और यहाँ से हम लिविंग रूम में एंट्री कर सकते हैं। इससे पहले ये स्टेयर के समझ लीजिए, देखिए स्टेयर के जो है हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है और ये स्टेप जो है देखिए स्टेप से चर्च के ऊपर ऊपर चले जाते हैं, ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे एक लैंडिंग रहेगी और यहाँ से फिर से ऊपर चले जाएंगे और फिर से एक लैंडिंग रहेगी और यहाँ से फिर से ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ का जो पोर्शन है कार पार्किंग के ऊपर का जो पोर्च है, इस पोर्च पर हम पहुँच जाएंगे, ठीक है, मतलब इस स्लैब के ऊपर पहुँच जाएंगे। और सेम प्लान अगर आप चाहें तो सेम प्लान रिपीट कर सकते हैं या ऊपर का फ्लोर है आपको रेंट के हिसाब से देना है तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। और ये स्टेयरकेस जो है ऊपर का फ्लोर आपको रेंट के हिसाब से देना है तो काफ़ी यूज़फुल रहेगी क्योंकि जो रेंट पर ऊपर से फैमिली रहेगी उनका जो आना जाना रहेगा वो बाहर से ही रहेगा, हमारे नीचे वाली फैमिली को कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। और ये स्टेयरकेस का नीचे का पोर्शन जो है हम पार्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हम चलेंगे इस लिविंग रूम में, यहाँ पर है हमारी एंट्री होती है लिविंग रूम में। देखिए लिविंग रूम का साइज़ जो है यहाँ पे पूजा रूम छोड़ के लगभग 14 फीट बाय 12 फीट का है और यहाँ पे पूजा रूम का भी आपको थोड़ा सा साइज़ आपको क्लियर नज़र आ जाएगा, 3 फीट 2 इंच का है, मतलब ये 3 फीट 2 इंच और ये 14 फीट, लगभग 17 फीट 2 इंच बाय 12 फीट का इस लिविंग रूम का साइज़ आता है, ठीक है। और उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पे पहुँच रहे हम, यहाँ पे हमारा टॉयलेट बाथरूम का एरिया है, यहाँ पे बाथरूम दिया गया है 7 फीट बाय 4 फीट का और यहाँ पे टॉयलेट दिया गया है और इन दोनों को वेंटिलेशन की ज़रूरत रहती है तो इन दोनों को वेंटिलेशन के लिए पीछे की साइड में एक डक दिया है। और लिविंग रूम से ही हम किचन में एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा किचन बताया गया है 10 फीट बाय 11 फीट 2 इंच का इस किचन का साइज़ है और उसमें देखेंगे तो यहाँ पर डाइनिंग दिया गया है लगभग 7 फीट बाय 11 फीट 2 इंच का। और उसके बाद में यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे एक बेडरूम बताया गया है लगभग 12 फीट 6 इंच बाय 11 फीट 2 इंच का इस बेडरूम का साइज़ है, मतलब 12 फीट 6 इंच बाय 11 फीट 2 इंच का। और इस बेडरूम को वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है तो यहाँ पे एक विंडो दिया है क्योंकि यहाँ पे हमने वॉश एरिया छोड़ा है तो ये जो है यहाँ पर ओपन डक्ट रहेगा, यहाँ पर हम स्लैब नहीं डालेंगे, इससे क्या होगा इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा। और बाद में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक बेडरूम है हमारा,
इस बेडरूम का साइज़ भी 12 फीट 6 इंच बाय 11 फीट 7 इंच का है, मतलब लगभग 12.5 फीट बाय 11.5 फीट का काफ़ी बढ़िया साइज़ है। और पीछे की साइड में एक डोर बताया गया है और एक विंडो बताया गया है यहाँ पे, क्योंकि पीछे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पे ओपन डक्ट रखा गया है, मतलब ओपन टू स्काई रखा गया है। यहाँ पे हम छत नहीं डालते हैं, स्लैब नहीं डालते हैं, तो इससे क्या होगा कि इस बेडरूम को यहाँ से वेंटिलेशन मिल जाएगा। और यहाँ की जगह जो यूज़ करना है हमको, तो यहाँ से हमने डोर दिया है, इस डोर से हम ये जगह यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में देखेंगे तो देखिए हमारा एक बेडरूम है यहाँ पे, इस बेडरूम को हम मास्टर बेडरूम भी कर सकते हैं क्योंकि इसको एक अटैच वाला बाथरूम भी दिया गया है। इस बेडरूम का साइज़ जो है 12 फीट बाय 11 फीट 7 इंच का है, मतलब 12 फीट बाय 11 फीट 7 इंच का, काफ़ी बढ़िया साइज़ है प्लॉट के साइज़ के हिसाब से। और एक बड़ा सा विंडो हमने यहाँ पे दिया है क्योंकि यहाँ पे भी हमने 3 फीट 6 इंच की ऑफसेट छोड़ा गया है, मतलब ओपन टू स्काई रखा गया है, ओपन डक्ट रखा गया है। यहाँ से इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा, और ये जो अटैच वाला बाथरूम है इसको भी वेंटिलेशन मिल जाएगा। इस अटैच वाला बाथरूम का साइज़ जो है 3 फीट 6 इंच बाय 6 फीट 3 इंच का है, तो इस टाइप में ये पूरा 25 फीट बाय 60 फीट में 3 BHK प्लान हमने बिठाया है। आशा करता हूँ कि ये प्लान जो है आपको डिटेल में समझ में आया और पसंद भी आया है। अगर आपको ये प्लान पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको ये प्लान पसंद नहीं भी आता है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है इस प्लान से किसी न किसी को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। और आपको भी प्लान बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे स्क्रीन पर नंबर जो दिख रहे हैं इन नंबरों पर आप कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, और आपका पूरा प्लॉट का डिटेल हमको दे दीजिए और आपके रिक्वायरमेंट दे दीजिए, हम आपको बढ़िया से बढ़िया प्लान बना के दे देंगे। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।